जय हिंद गाइस। अब हम एक नए वीडियो लेक्चर से को शुरू करने जा रहे हैं जो क्वेश्चन ऑन द डिमांड्स है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक्स क्या है? मैक्सिमा एंड मिनिमा आर सेवरल वेरिएबल्स। सेवरल वेरिएबल्स का मतलब ये है कि एक से ज़्यादा वेरिएबल्स वाले फंक्शंस के लिए हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा की अब बात करने जा रहे हैं। जनरली स्कूल स्तर पर स्टूडेंट सीख के आए रहते हैं कि सिंगल वेरिएबल अगर कोई फंक्शन है तो उसका मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकाला जाता है। हम यहाँ मैक्सिमा मिनिमा किस चीज का पढ़ने जा रहे हैं? फंक्शंस का ही पढ़ने जा रहे हैं। बट फंक्शंस आप यहाँ टू वेरिएबल्स है तो हमारी जो टॉपिक है वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अच्छा, एक सेवरल वेरिएबल्स का ही एक पार्ट है फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स। तो पहले फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स क्या है थोड़ा हम लोग इसके बारे में डिफाइन कर लें, बात कर लें। व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स में हम लोगों ने यहाँ है फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। पहले इस चीज को डिफाइन कर लें उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि क्या कंसेप्ट है इसका, फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स क्या है। अब तक हम लोग जो स्कूल स्तर पे पढ़ के आते हैं वो इस टाइप के फंक्शंस कुछ आते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एनी फंक्शन ऑफ एक्स गिवन होता था। और वहाँ हम लोग मैक्सिमा मिनिमा की बात करते थे। कैसे करते थे? मैक्सिमा आर मिनिमा के लिए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो कर देते थे, इसको सॉल्व करते थे, एक्स की वैल्यू मिलती थी, उसके बाद इसका डबल डिफरेंशिएशन निकालते थे और एक्स की ये जो वैल्यू मिलती थी आफ्टर सॉल्विंग एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो एफ डबल डैश एक्स में सब्स्टिट्यूट करते थे। अगर ये एक्स के किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू पे ये लेस देन जीरो मिलता था, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, एक्स के उस पॉइंट पे जो वैल्यू थी वो निगेटिव होती थी, तब हम कहते थे कि फंक्शन इज मैक्सिमम एट दिस पॉइंट। अच्छा, अगर ये ग्रेटर देन जीरो होता तो मिनिमम होता था। तो ये तो हमारा सिंगल वेरिएबल फंक्शंस की बात थी। सिंगल वेरिएबल मतलब इसमें केवल एक्स हो, केवल वाई हो, केवल जेड हो, मतलब उसमें जैसे एफ ऑफ एक्स हम लिखे ना, यहाँ एक्स ही होना चाहिए, एक्स के अलावा अन्य कोई वेरिएबल नहीं प्रेजेंट होना चाहिए, तो उसको हम लोग फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल्स कहते हैं कि वो फंक्शन जिसमें एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व हो, बाकी सारी चीज़ें कॉन्स्टेंट हो। तो फंक्शन ऑफ सेकेंड टू वेरिएबल्स की मीनिंग क्या होगी कि वो फंक्शंस जिसमें दो वेरिएबल्स होंगे। अच्छा, दोनों वेरिएबल्स कैसे होंगे? बिगनर स्टूडेंट बड़ा यहाँ गलती कर जाता है। वेरिएबल्स क्या है? मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। इंडिपेंडेंट का मतलब कि जैसे हम यहाँ दो वेरिएबल्स ले लें, एक एक्स ले लें, एक वाई ले लें, तो एक्स और वाई जो मेरे वेरिएबल्स हैं यहाँ वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। बट यहाँ जो एफ ऑफ एक्स, ये जो मैं वाई लिखता था इसी को वाई, और यहाँ एक्स की कोई वैल्यू लिख देता था फंक्शंस की जो भी क्राइटेरिया होती थी, तो y इज द फंक्शन ऑफ x और y जो होता था वो x पे डिपेंड करता था। अब यहाँ क्या होगा? फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल कैसे हम डिफाइंड करेंगे? तो फर्स्ट नाउ इसको हम डिफाइन करते हैं, इसको क्लियर करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि यहाँ हम मैक्सिमा मिनिमा जब फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स है तो कैसे बात करेंगे। तो पहले फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स का कंसेप्ट क्या है उसको हम क्लियर कर लें। लेट एफ ऑफ एक्स वाई be the function of two independent variable x and y such that, जो beginner student इस video lectures को serious watch कर रहे हैं उसको note भी करें। अब जो कीवर्ड्स है उसको मैं साथ साथ घेर भी रहा हूं ताकि उनको ये सब चीजें ध्यान में रहें। क्या कहा है कि लेट एफ ऑफ एक्स वाई बी द फंक्शन ऑफ टू, यहां एक बात ऑलरेडी मेंशन की गई है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अक्सर देखने में आता है स्टूडेंट इस चीज को छोड़ देता है, नहीं, इसको यहां ध्यान देना है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स एंड वाई की मीनिंग ये होती है, एक्स एंड वाई अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो ये करली वाई बाई करली एक्स की वैल्यू जीरो होती है। हमारे कहने का मतलब ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब कि वाई एक्स पे डिपेंड नहीं करता है,
एक्स और वाई आप फ्रीली कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, बट यहाँ क्या है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई है, कैसे कैरेक्टर रखेंगे सच दैट एफ ऑफ एक्स वाई इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ डोमेन ऑफ डिफिनीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्या मतलब है इसका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? मीनिंग है कि आप एफ ऑफ एक्स वाई कैसे लिखेंगे। एक अगर मैं एग्जांपल्स की थोड़ा यहां बात कर लूं पहले, जैसे हमने ये लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर, ये लिख दिया हमने एफ ऑफ एक्स वाई एक ऐसा फंक्शन लिखा है जिसमें दो वेरिएबल एक्स वाई है और यहां कांस्टेंट है। कांस्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यहां कोई वो इशू नहीं है। ये जो एफ ऑफ एक्स वाई हमने लिखा है, दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। अच्छा, एक्स एंड वाई जो है मेरे वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट मतलब कि एक्स एंड वाई आप स्वेच्छा से कुछ भी वैल्यू लिख लेंगे, लेकिन यहां जो हम मैक्सिमम मिनिमा की बात करने जा रहे हैं, आगे क्या है सच दैट ये जो फंक्शन होना चाहिए कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ डोमेन ऑफ डिफिनेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई, मतलब कि एफ ऑफ एक्स वाई जहां भी डिफाइंड है ना, जो एफ ऑफ एक्स वाई डिफाइंड की मीनिंग है, एक्स वाई की हम कोई भी वैल्यू लिखते हैं तो उसकी एक फाइनाइट एंड यूनिक वैल्यू मिलनी चाहिए, तो हम कहते हैं कि वो फंक्शन डिफाइंड है। जब डिफाइंड ऑफ द फंक्शन के कंसेप्ट की बात आती है, कहीं वर्ड्स यूज किया जाता है कि दिस फंक्शन इज डिफाइंड एट दिस पॉइंट ऑफ फॉर ऑल एक्स, क्या मतलब होता है x की जो वैल्यू आप लिख रहे हैं, जो भी रियल नंबर लिख रहे हैं, जो भी रेशनल नंबर लिख रहे हैं, जो भी कोई नंबर लिख रहे हैं, अगर फंक्शंस की वैल्यू उस पॉइंट में फाइनाइट एंड यूनिक है, बोथ फाइनाइट एंड यूनिक, ऑलवेज कीप इन माइंड दिस कांसेप्ट कि फाइनाइट भी हो और यूनिक हो, तब हम कहते हैं कि वो जो मेरा फंक्शन है वहां पे डिफाइंड है और उसका मेरा डोमेन भी हो जाता है। दिस इज द कांसेप्ट ऑफ द डोमेन, जहां स्टूडेंट्स हमेशा स्कूल स्तर से इस चीज को सीखते चले आ रहे हैं। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ द टू वेरिएबल्स, ये हो गया। और ये फंक्शंस कंटिन्यूअस होना चाहिए, जो भी कंटिन्यूटी की जो बात हो चीज सेटिस्फाई होनी चाहिए, बट यहाँ ऑलरेडी एक बहुत बड़ा ब्रांच है कि जो सेवरल वेरिएबल्स की कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं, खैर वहाँ तो यहाँ तो वो नहीं है, बहरहाल उसकी हम बात भी नहीं करेंगे क्योंकि वो मेरा है इशू भी नहीं है। हम मैक्सिमम और मिनिमम की बात करने जा रहे हैं, तो कैसे उस चीज को बात करें कि जब हम मैक्सिमम और मिनिमम निकालेंगे तो उसके लिए मेरे कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स की हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात करने जाएं, कोई क्वेश्चंस अगर दिया हुआ है तो हम मैक्सिमा और मिनिमा कैसे टेस्ट करेंगे, उसके लिए कंडीशंस क्या है कि ये फंक्शंस द नेसेसरी कंडीशंस वर्किंग रूल लिख दे रहे हैं, कैसे हम निकालेंगे वर्किंग रूल टू फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स एफ ऑफ एक्स। सबसे पहले क्या करेंगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहली बात लिख रहे हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ कर्ली एफ बाई कर्ली एक्स, जिसको हम एफ ऑफ एक्स भी लिखते हैं, एंड कर्ली एफ बाई कर्ली वाई, इसको हम लोग एफ वाई ऐसे भी लिखते हैं, एंड देन एफ एक्स जीरो इक्वेशन फर्स्ट एंड एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो फंक्शन आप जो सेवरियल वेरिएबल्स गिवेन होगा, जो भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई गिवेन होगा, हम उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालेंगे, उसके बाद पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई निकालेंगे, उसके बाद एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो। इसी को हम लोग नेसरी पार्ट्स भी कहते हैं, ये भी कहते हैं द नेसेसरी फॉर मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई शुड बी, क्या होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो, ये बोथ होता है दोनों, ठीक है। दिस इज द नेसेसरी पार्ट्स कि जो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स है वो मैक्सिमम होगा और मिनिमम होगा,
उसका जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन है वो जीरो होना चाहिए। अब क्या करेंगे कि इक्वेशन वन एंड टू, वो पहला बात होगी, तो उसमें हम सेकेंड बात लिखते हैं। सेकेंड चीज क्या करेंगे, जब भी कोई क्वेश्चन निकालेंगे तो पहला आपको ये काम करना होगा कि उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, उसके बाद उस दोनों को जीरो करिए, उसको दो इक्वेशन बनाइए, एक का नामकरण संस्कार फर्स्ट करिए और दूसरे का नामकरण संस्कार सेकेंड करिए। सेकेंड में क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू साइमल्टेनियस एंड फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। हम लेट कर रहे हैं, लेट वन वैल्यूज बी, लेट वन वैल्यू बी ए बी, वन वैल्यू ए बी है मतलब क्या, इसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो और जो एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो, इसको आपने सॉल्व किया दोनों इक्वेशंस को एक साथ, तो एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी। अब एक्स वाई की जो वैल्यू मिलेगी उस वैल्यू को हमने एक नाम दे दिया, मान लीजिए ए बी मिली, हो सकता है बहुत सारी वैल्यूज मिले, संभव हम क्वेश्चन जब हम लोग लगाएंगे देखेंगे, हमने एक वैल्यू ले ली ए बी। अच्छा, इस ए बी को हम लोग स्टेशनरी पॉइंट्स कहेंगे, बहरहाल अभी हम उसको भी डिफाइंड करेंगे, कुछ यहाँ टर्मोलॉजी यूज है जिस टर्मोलॉजी को हम लोग डिफाइंड करेंगे। अभी तो हम कुछ स्टेप बता रहे हैं कि कैसे हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स को निकालेंगे। ये तो मेरा हो गया सेकेंड। अब थर्ड हम लोग क्या करेंगे, थर्ड ये करेंगे, थर्ड में नोटेशंस क्या है कि जो एफ है उसको दो बार डिफरेंशिएट कर दीजिए पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका मतलब क्या, कर्ली एफ सिक्स स्क्वायर, इसको हम आर से लिखेंगे, ये भी निकालेंगे, उसके बाद एफ वाई वाई, इसको हम लोग टी लिखेंगे और ये हो गया कर्ली ऑफ कर्ली वाई स्क्वायर दिस, उसके बाद एस निकालेंगे कर्ली ऑफ कर्ली एक्स कर्ली वाई, इसको ये नाम देंगे और इसको एफ ऑफ एक्स वाई कहें या एफ वाई एक्स कहें कि दोनों सेम होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन में, मीनिंग क्या होगा। इसके बाद मुझे थर्ड स्टेप में क्या करना है, थर्ड स्टेप में ये करना है कि जो एफ जो फंक्शंस जो सेकेंड वेरिएबल्स का गिवन है उसको दो बार पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, विथ रिस्पेक्ट टू वाई करना है और कर्ली टू एफ कर्ली एक्स कर्ली वाई निकालना है, जिसका हमारा नोटेशन एस है, इसका नोटेशन मेरा टी है, इसका नोटेशन मेरा आर। अब क्या करेंगे, इसी स्टेप में थर्ड स्टेप में ही आर टी माइनस एस स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटिंग आर टी माइनस एस स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकाले। अब क्या होगा, इसको थोड़ा मैं यहां डिलीट कर दूं, इतने से ही मेरा यहां काम अप चलेगा। एक बात हम पहले बता चुके हैं कि ये जो मेरा ए बी है, ए बी कैसे मिला है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो को सॉल्व करने के बाद एक्स और वाई की जो एक वैल्यू है, हो सकता है एक से ज्यादा वैल्यूज मिले कोई बात नहीं, तो हमने कोई एक वैल्यू ये भी लिखा। अब इस ए बी पर हम जो है आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालेंगे, तो अब यहां मेरा केस बनेगा, केस फर्स्ट, इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो एंड आर लेस देन जीरो एट ए बी, देन एफ ऑफ एक्स वाई इज मैक्सिमम एट ए बी, ये बात होगी। इसी में दूसरी बात होगी कि इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो एंड आर ग्रेटर देन जीरो एट ए बी, देन क्या होगा, एफ ऑफ एक्स वाई इज मिनिमम एट ए बी, ये बात होगी। मीनिंग ये हो गई कि ये जो आर टी माइनस एस स्क्वायर है, देख रहे हैं ध्यान से कि दोनों केस में ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए एट ए बी पे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो को सॉल्व करने पे जो वैल्यू मिली है हमने उनका नामकरण संस्कार ए बी किया।
अब आर टी माइनस एस स्क्वायर, अच्छा आर टी और एस क्या है, ऑलरेडी दिस इज द डिफाइंड हियर। अब आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो आती है तो फिर आप आर को देखिए कि ए बी पर आर की वैल्यू क्या मिल रही है, वो पॉजिटिव मिल रही है कि निगेटिव मिल रही है। अगर ये वैल्यू निगेटिव मिल रही है तो फंक्शन मैक्सिमम होगा। अच्छा आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी मैक्सिमम मिनिमम के लिए ग्रेटर देन जीरो मस्ट है। अब मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा वो आर पे डिपेंड करेगा। अगर आर निगेटिव आ गया तो मैक्सिमम है और आर पॉजिटिव आ गया तो मिनिमम है। अच्छा के सेकंड की यहाँ बातें होगी वो भी मैं लिख दूं यहाँ, के सेकंड में अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर, भाई जैसे हम आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहे हैं तो जो भी कोई वैल्यू निकालेंगे तो रियल नंबर की दुनिया का बड़ा एक फेमस रिजल्ट है, सब लोग जानते हैं स्कूल स्तर से, कोई भी नंबर आप रियल नंबर का पिकअप करके लिखना चाहते हैं तो या तो पॉजिटिव होगा, अगर पॉजिटिव नहीं हुआ तो निगेटिव हो जाएगा, अगर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों नहीं हुआ तो फिर क्या संभव, तो फिर जीरो हो जाएगा, तीसरा तो कोई चौथा कोई संभावना तो बनेगी नहीं। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर अगर ग्रेटर देन जीरो हो गया तो ये बात आ गई। अब केस सेकेंड ये कहता है कि इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन जीरो हो, वो जो पॉइंट ऑफ एट ए बी निकाल लेंगे तब क्या होगा, तब फंक्शंस कैसा करामात दिखाएगा, देन एफ ऑफ एक्स वाई इज नाइदर मैक्सिमम ना मिनिमम आइडिया, मतलब कि ए बी मेरा जो पॉइंट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो और एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो को सॉल्व करने पे जो मेरा पॉइंट मिला था, इस पॉइंट पे अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो न हो करके लेस देन जीरो हो जाएगी तो उस पॉइंट पे फंक्शन न तो मैक्सिमम होगा न तो मिनिमम होगा, मैक्सिमम और मिनिमम वो उस पॉइंट पे कंडीशन फेल हो जाएगी। हम कहेंगे नहीं कि वो पॉइंट फंक्शन मैक्सिमम है कि मिनिमम है, मतलब होगा ही नहीं, कहेंगे क्या, मिलना ही नहीं। अब केस थर्ड क्या आता है, अब तो पता चल गया होगा स्टूडेंट को केस थर्ड क्या लिखेंगे, इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो हो जाए तो फिर क्या होगा, तो फिर फर्दर अगर इन्वेस्टिगेशन चलेगा। अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर अगर जीरो हो गया तो हम ये नहीं कह पाएंगे कि ए बी पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है, लेकिन केस सेकेंड में पक्के तौर पर अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर अगर लेस देन जीरो हो गया तो डेफिनेटली वहाँ ना तो मैक्सिमम होगा ना मिनिमम होगा, ये बात बिल्कुल क्लियर है। लेकिन आर टी माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो हो गया तो ये डाउटफुल केस कहा जाता है, तो उस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी हो सकता है, यानी फर्दर अब इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ेगी। तो बाद में हम लोग क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे लगाएंगे तो उसकी बात करेंगे, जैसे वहाँ हमारा जो स्कूल स्तर से जो स्टूडेंट सीखते चले आए हैं एफ डैश एक्स जीरो करते हैं, उसके बाद एफ डबल डैश एक्स पे ये जीरो करने के बाद जो एक्स की पॉइंट मिलती है एफ डबल डैश को चेक करते हैं, अब यहाँ ये ग्रेटर देन जीरो है कि लेस देन जीरो है, लेकिन अगर ये इज इक्वल टू जीरो हो गया तो अगेन ये डाउटफुल केस हो जाता है, तो हम फर्दर अवे इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर ये जीरो हो गया तो डाउटफुल केस हो जाएगा, तो हमें फर्दर अवे इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ेगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो बात चल रही थी कि वर्किंग रूल क्या है, स्टेप क्या है, वो स्टेप स्टूडेंट जो बिगिनर स्टूडेंट है जो देख रहा है जिसको मैक्सिमा मिनिमा निकालना है फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स का, उसको नोट कर लिया होगा। अब यहाँ कुछ टूल्स हैं, कुछ पॉइंट्स आते हैं मैक्सिमा मिनिमा में, कुछ नाम लोगों ने रख दिया है स्पेशल टाइप का, तो वो नाम क्या है पहले मैं उसको लिख दूँ, डिफाइन कर दूँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी पैटर्न में जो देश के यूनिवर्सिटी पैटर्न्स हैं जहाँ जहाँ ये सिलेबस मेंशन है, वैसे तो जितने भी लगभग नेशनल लेवल के कंपटीशन है मैथमेटिक्स के पूछे जाते हैं ऑलरेडी है उसमें मैक्सिमा एंड मिनिमा, और नेशनल स्तर की जितनी भी यूनिवर्सिटी है सारा वहाँ मैक्सिमा एंड मिनिमा है ऑलरेडी रखा हुआ है। तो उस मैक्सिमा मिनिमा में ना कुछ पॉइंट्स आते हैं, उस पॉइंट्स को मैं कहीं क्लियर कर दूं। जैसे एक पॉइंट आता है स्टेशनरी, उसके बाद एक आता है एक्सट्रीम, उसके बाद आता है एंड एक सैडल पॉइंट, ये जो नामकरण संस्कार है ना, तो हाँ मैं इनका एक्सप्लेन कर दूं। स्टेशनरी जो बना है ना स्टेशन से बना है, और स्टेशन का मतलब जहाँ ठहराव होता है, जहाँ चीज़ें रुकती हैं, तो यहाँ तो गाड़ी रुकती है, लोग ठहरते हैं, फंक्शन कहाँ ठहरता है, फंक्शन भी ठहरता है,
अगर फंक्शंस का नेचर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करते हुए जा रहा है, साहब पता नहीं कहाँ तक जाएगा। चलिए फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज करते हुए जा रहा है। अच्छा ऐसा भी सकता है फंक्शन ना इंक्रीजिंग हो ना डिक्रीजिंग हो, तो यहाँ तो बात ही नहीं होगी ना। जब मैक्सिमम मिनिमा की अगर मुझे तलाश है तो या तो फंक्शन इंक्रीज करते हुए कहीं जाए और रुक जाए, मैंने उसकी इंक्रीजिंग बंद हो जाए, तो जहाँ इंक्रीजिंग बंद होगी तो नेचुरल बात हो वहाँ पे बात क्या होगी, डिक्रीजिंग होगी या तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो जहाँ फंक्शंस का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आर्डर फिनिश हो जाता है जिस पॉइंट पे, कीप इन माइंड दिस फैक्ट कि किसी भी फंक्शंस का, चाहे वो टू वेरिएबल्स का हो, थ्री वेरिएबल्स का हो, आर वन वेरिएबल्स का हो, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का जो नेचर है जिस पॉइंट पे फिनिश हो जाता है ना, यानी रुक जाता है, स्टेशन वहाँ पर उसका स्टेशन हो गया कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ठहराव आ गया कि साहब इस पॉइंट पे फंक्शन न तो इंक्रीज कर रहा है न डिक्रीज कर रहा है, यानी जो इंक्रीजिंग करते हुए आ रहा था उस पॉइंट पर रुक गया, उसी को हम लोग स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं। यानी स्टेशनरी पॉइंट फंक्शंस का वो पॉइंट है जहाँ पे ये चीज़ें मिलती हैं, जनरल ये बात कही जाती है। एक्सट्रीम क्या है, एक्सट्रीम जो है उन उस स्टेशनरी पॉइंट को हम लोग एक्सट्रीम पॉइंट कहते हैं जहाँ पे फंक्शंस की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम मिलती है, और मैक्सिमम और मिनिमम को मिला करके, दोनों नामों को मिला करके ये नाम एक्सट्रीम दिया जाता है। और सैडल पॉइंट क्या है, ये बड़ा ये दुख देता है, दुख मतलब सीधा सा ये है कि जिस स्टेशनरी पॉइंट्स को मिला बट वहाँ पे फंक्शंस की वैल्यू ना तो मैक्सिमम है ना मिनिमम है, अगर ऐसा हो गया जैसे हमने काफ़ी डाउटफुल केस आ जाए, अगर ऐसा हो गया जहाँ मतलब RT-S² हमारा वहाँ लेस देन जीरो हो जाए, जहाँ ना मैक्सिमम होगा ना मिनिमम होगा, अगर वो स्टेशनरी पॉइंट्स है जहाँ फंक्शंस ना तो मैक्सिमम है ना तो मिनिमम है, तो दिस पॉइंट इज नोन एज द सैडल पॉइंट्स। तो मुझे उम्मीद है चीज़ क्लियर हो गई होगी, बड़ा ये यूनिवर्सिटी स्तर पे चीज़ें पूछी जाती हैं तो मैं इस चीज़ को लिख दे रहा हूँ। द वैल्यू ऑफ या सॉल्विंग द इक्वेशंस, द पॉइंट्स ए बी, अच्छा ए बी एक से ज्यादा भी हो सकता है, द पॉइंट्स ए बी सच दैट द पॉइंट्स ए बी एट विच एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एफ वाई इज इक्वल टू जीरो बोथ देन ए बी इज कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट। मीनिंग क्या है इस चीज को लिस्टर यहाँ ध्यान देंगे क्योंकि बिगनर स्टूडेंट बड़ा कंफ्यूज रहता है स्टेशनरी पॉइंट को लेकर, तो अगर वो वीडियो लेक्चर्स को सीरियसली वाच कर रहा है तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन जनरली देखा जाता है कि पढ़ने के बाद उनका स्टेशनरी पॉइंट पे कंफ्यूजन बना रहता है, उस चीज का कंफ्यूजन मैं यहाँ दूर कर दे रहा हूँ। कह रहा है कि यहाँ तो पॉइंट की बात आई है, ए बी कैसा पॉइंट है भाई, ए बी कह रहा है कि जहाँ पर एफ ऑफ एक्स जीरो एंड एफ ऑफ वाई जीरो, ये जो आप जीरो लिख रहे हैं और इसको जो सॉल्व कर रहे हैं, जो पॉइंट मिल रहा है उस पॉइंट को हम लोग स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं। मतलब ये हुआ कि ए बी हमारा इस फंक्शन का स्टेशनरी पॉइंट नहीं होगा अगर सिंपली एफ एक्स जीरो हो जाए लेकिन एफ वाई जीरो ना हो, या एफ वाई जीरो हो जाए एफ एक्स जीरो ना हो, दोनों को जीरो होना पड़ेगा। इसलिए यहाँ जो वर्ड लिखा है ना एंड लिखा है, यानी ए बी अगर एफ एक्स में लिखे तो भी जीरो मिलेगा, अगर ए बी एफ वाई में लिखे तो भी जीरो, तब भी जीरो मिले, तब हम कहेंगे कि वो पॉइंट मेरा स्टेशनरी पॉइंट। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। व्हाट इज द स्टेशनरी पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डिराइवेटिव, दोनों फर्स्ट ऑर्डर डिराइवेटिव मस्ट है, दोनों की बात है, दोनों फर्स्ट ऑर्डर डिराइवेटिव जीरो होने चाहिए। एक्सट्रीम पॉइंट क्या है, द स्टेशनरी पॉइंट, द स्टेशनरी पॉइंट एट विच द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई इज आइदर मैक्सिमम और मिनिमम।
देन द स्टेशनरी पॉइंट एट विच द वैल्यूज ऑफ फंक्शंस इज आइदर मैक्सिमम और मिनिमम, तब हम लोग उस स्टेशनरी पॉइंट को क्या कहते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट कहते हैं। दिस स्टेशनरी पॉइंट इज नोन एज व्हाट, देन स्टेशनरी पॉइंट सीधे हो गई बात में कि द स्टेशनरी पॉइंट एट विच द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई इज आइदर मैक्सिमम और मिनिमम, और जो वैल्यू होती है वैल्यू ऑफ फंक्शंस द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई इज कॉल्ड क्या कहते हैं, एक्सट्रीम वैल्यू कहते हैं इसको हम लोग, व्हाट दिस इज नोन एज द एक्सट्रीम वैल्यू, मतलब फंक्शंस की जो मैक्सिमम और मिनिमम जो भी वैल्यू मिलती है उस पॉइंट को उसको हम लोग फंक्शंस की एक्सट्रीम वैल्यू कहते हैं। द सैडल पॉइंट्स क्या कहते हैं कि द स्टेशनरी पॉइंट्स एट विच, सीधा सा पार्ट डेफिनेशन, एफ ऑफ एक्स वाई इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम इज कॉल्ड व्हाट, सैडल पॉइंट। ये सब चीजें ध्यान देनी चाहिए क्योंकि नेशनल लेवल के जो कंपटीशन मैथमेटिक्स के होते हैं उसमें स्टेशनरी पॉइंट एक्सट्रीम सैडल पॉइंट वो क्वेश्चंस में लिखे रहते हैं ऑलरेडी। उन सब जो शब्द हैं जो वर्ड्स हैं मैथमेटिक्स के जो टूल्स हैं ये जो वर्ड्स हैं इनको क्लियर होना चाहिए कि स्टेशनरी एक्सट्रीम एंड सैडल पॉइंट्स क्या है। तो अच्छा ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो फंक्शंस का मैक्सिमम जो मिनिमम मिल रहा है ना वो स्टेशनरी पॉइंट भी हो, स्टेशनरी पॉइंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, दिस कॉन्सेप्ट ऑलवेज कीप इन माइंड हियर। बट हम जिस यहाँ स्तर की बात करने जा रहे हैं पहले हम जो मैक्सिमम जो मिनिमम जो निकालेंगे जो इस विधा से जो हमारा ये है हम एफ ऑफ एक्स जीरो करेंगे एफ ऑफ वाई जीरो करेंगे उसको सॉल्व करेंगे। तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम ले रहे हैं ताकि बाकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। अभी उसमें भी बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें आएंगी तो एक क्वेश्चन के माध्यम से हम उन सब चीज़ों को थोड़ा क्लियर करना है। ये सब जितनी सारी चीज़ें थ्योरी की बात की गई है ना एक क्वेश्चन के माध्यम से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद हम और भी बहुत सारे क्वेश्चन को पिकअप करेंगे लगाएंगे। जैसे यहाँ है कि फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन में फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम आर एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस थ्री ए एक्स। अच्छा बहुत जगह यहाँ ए मेंशन नहीं है बट यहाँ ए मेंशन ये कर लीजिएगा क्योंकि ए नॉट इज इक्वल टू जीरो, बाद में फर्दर अभी इन्वेस्टिगेशन में दिखाएंगे ए जीरो नहीं है, ये कोई रियल नंबर है जहाँ ए जीरो नहीं, ठीक है। अब एफ जो गिव है ना उसके बारे में लिख लीजिए, पहला काम क्या करेंगे सोल्यूशन कैसे होगा, एफ जो गिवन है आपका वो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस थ्री ए एक्स, ये बात हो। अब इसका नामकरण संस्कार स्टार्ट कर देंगे, अब इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन करिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ एक्स हमने लिखा है या ये कर ली एफ बाई कर ली एक्स, ये भी सिंबल देते हैं क्या आएगा भाई सबको पता है ये थ्री एक्स स्क्वायर आएगा और यहाँ माइनस थ्री ए वाई आएगा। अच्छा एफ वाई निकाल लीजिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई निकालिए, ये मेरा आएगा थ्री वाई स्क्वायर माइनस थ्री ए एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा साथ साथ हम आर और टी एस भी निकाल लें, एक साथ निकाल लें तो अच्छा रहेगा। अच्छा आर क्या है यहाँ, यहाँ ये है, इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या आएगा मेरा, अच्छा इसको एफ एक्स एक्स ऐसे भी सिंबल यूज करते हैं तो ये हो गया, एक बार और इसको करेंगे ये हो जाएगा सिक्स एक्स माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जीरो हो जाएगा तो सिक्स एक्स हो जाएगा। अच्छा टी हमारा क्या होता है कर्ली टू एफ कर्ली वाई स्क्वायर, इसको अगर हम एफ वाई बाई एस भी सिंपल लेते हैं तो वाई के रिस्पेक्ट में एक बार और करेंगे तो यहाँ सिक्स वाई हो जाएगा और यहाँ एक्स हो जाएगा, दैट इज द जीरो। एस निकालना है इसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, मतलब ये निकालना है चाहे इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए या इसको x के रूप में डिफरेंशिएट करिए बातें की आएगी। जैसे हम इसको जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा यहाँ माइनस थ्री, ये बात आ गई, ये हमने निकाल लिया। अब सेकेंड स्टेप का मेरा काम क्या होगा उस चीज को ऐसे लिखेंगे, आर मैक्सिमम आर मिनिमम
वी शुड वी हैव क्या होगा एफ एक्स जीरो एंड एफ वाई, इनको जीरो कर दीजिए। जो एफ एक्स हमने ये निकाला है तो क्या है ये थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री ए वाई जीरो, अब इसका नामकरण संस्कार वन कर दीजिएगा। दूसरा क्या हुआ एफ वाई, तो ये थ्री वाई स्क्वायर माइनस थ्री ए एक्स, इसको जीरो कर दीजिएगा, इसको इक्वेशन नंबर टू कर दीजिएगा। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, सॉल्विंग इक्वेशन वन एंड टू। अच्छा इक्वेशन वन को भी अलग सॉल्व करेंगे, इक्वेशन टू को भी अलग सॉल्व करेंगे, लिसनर कीप दिस फैक्ट इन माइंड। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ थोड़ा वहाँ सीरियस हो जाइए आप लोग, क्योंकि यहाँ के बाद ना जनरली स्टूडेंट गलती कर जाता है, देखने में आता है अच्छी खासी प्रैक्टिस करने वाला भी स्टूडेंट मैक्सिमम इन माय क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए गलती करता है। कहाँ गलती करता है अब वो मैं बात यहाँ करने जा रहा हूँ, थ्योरी की तो बात अपनी जगह हो गई। एप्लीकेशन पार्ट में यहाँ गलती क्या करता है, इक्वेशन वन को लेके अलग सॉल्व करता है, इक्वेशन टू को लेके अलग सॉल्व करता है, एक्स वाई की वैल्यू निकालता है और वो स्टेशनरी पॉइंट में फंस जाता है। क्यों फंस जाता है, यहाँ क्या करना है उसे, यहाँ इक्वेशन वन को लेके आप अलग सॉल्व करिए कोई बात नहीं, इक्वेशन टू को लेके अलग सॉल्व करिए कोई बात नहीं, ठीक है एक्स वाई की वैल्यू निकालिए, लेकिन हर हालत में वन और टू को कंबाइंड साथ करना है। साइमल्टेनियस एक वर्ड वहां आया था, हमने लिखा था कि सॉल्विंग एफ ऑफ एक्स जीरो एंड एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो साइमल्टेनियस, एक साथ साथ सॉल्व करना है। एफ ऑफ एक्स जीरो अलग से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है एक्स वाई कुछ वैल्यू मिल जाएगी, करिए सॉल्व करना ही है, एफ वाई वाई जीरो करिए एक्स वाई की वैल्यू मिलेगी, आप उसको भी निकाल लीजिए, लेकिन आपको दोनों को हर हालत में एक साथ साथ भी सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालना। ये फर्स्ट हमारी ट्रिक हुई जहां स्टूडेंट गलती करता है, या किसी को सॉल्व कर लिया या तो इसको सॉल्व कर लिया, दोनों को सॉल्व कर लिया, एक्स वाई की वैल्यू दिया, अपना स्टेशनरी पॉइंट समझ बैठता, नहीं ये बात नहीं करनी, अलग से सॉल्व करिए, अलग से सॉल्व करिए, उसके बाद दोनों को कंबाइंड सॉल्व करिए। अच्छा इसको अलग सॉल्व करेंगे तो इजिली तो सॉल्व होगा नहीं, छोड़ दीजिए ये भी इजिली सॉल्व नहीं होगा, लेकिन दोनों का साथ साथ सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, आप सॉल्व करिए जो भी मेथड आपके पास हो, लेकिन ये देखने से चीजें समझ में आ रही हैं कि अगर मैं यहाँ एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ वाई से तो क्या इक्वेशंस मेरा बन के आएगा। अब उस चीज को मैं थोड़ा यहाँ लिख रहा हूँ, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा थ्री एक्स क्यूब माइनस थ्री ए एक्स वाई, ये जीरो हो गया, अब जब इसमें वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा थ्री वाई क्यूब माइनस y से मल्टीप्लाई करने के बाद 3axy इज इक्वल टू जीरो, सबट्रैक्ट कर दीजिए तो ये कैंसिल हो जाएगा 3x क्यूब माइनस 3y क्यूब इज इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज x क्यूब इज इक्वल टू y क्यूब, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू y, ये एक बात आ गई। अब जब x इज इक्वल टू y आ गया तो बारी बारी इक्वेशन वन और टू में लिखी, देखिए एक्स वाई की वैल्यू क्या आ रही है, तो फ्रॉम वन आ जाएगी, x इज इक्वल टू वाई पुट करिए, y इज इक्वल टू जहाँ x वो पुट करिए, तो मुझे अच्छा यही लग रहा है कि y का x लिख दो, ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 3ay x इज इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज x अगर मैं कॉमन कर लूँ तो x माइनस a जीरो, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू जीरो और a आ गया। सिमिलरली अगर फ्रॉम 2 से आप y की जगह x लिखेंगे, जैसे हमने लिख दिया y की जगह x तो बात आ गई, अगर फ्रॉम 2 से भी सॉल्व करेंगे तो वही बात आएगी, सिंस x इज इक्वल टू y है तो y की भी वैल्यू जीरो हो जाएगी, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं फ्रॉम 2 से, इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं कि x जहाँ है वहाँ y लिख दीजिए तो फिर ये चीज़ हमारी क्या आएगी 3y स्क्वायर माइनस 3 वाई जीरो, तो अगेन y जीरो हो रही आगे, ठीक है। अब इसके आगे क्या काम करते हैं उस चीज़ को स्टूडेंट यहाँ ध्यान से सुना, बी सीरियस है, इसके बाद भी स्टूडेंट गलती करता है, अक्सर गलती कर जाता है, वहाँ गलती नहीं करनी है, उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ आपको करना क्या है। अब इसके बाद आप जो है स्टेशनरी पॉइंट्स कैसे लिखेंगे, अब सिंपली आप यहाँ पॉइंट्स लिखेंगे, जो इक्वेशंस वन और टू सॉल्व किए हैं इसको सॉल्व करने के बाद जो आपको पॉइंट्स मिले हैं ना वो आप ऐसे लिखिए, अब उसके बाद ऐसे करिए, कौन कौन पॉइंट्स मिलेंगे कैसे ग्रुपिंग करते हैं, सब पॉइंट्स जब भी लिखते हैं तो कोऑर्डिनेट हमेशा एक्स वाई लिखते हैं, तो पहले आप एक्स लिखिए, पहले एक पकड़ लीजिए एक्स की वैल्यू जीरो है, एक मेरी जीरो हो गई, उसके बाद वाई की वैल्यू यहाँ जीरो आ गई, पहला हो गया एक्स जीरो पहले फिक्स करिए, दूसरा वाई की वैल्यू ए हो गई, दिस अब एक्स की वैल्यू क्या है एक ए है, अब वाई की दो वैल्यू आई तो दो भरिए, पहले एक बार हम जीरो भरेंगे उसके बाद एक्स ए लिखेंगे, ए लिखेंगे, ये पॉइंट्स हो गए। लेकिन स्टेशनरी पॉइंट्स कब होंगे इसी चीज को स्टूडेंट को यहाँ ध्यान देना है, यहाँ सीरियस रहेंगे, पॉइंट्स तो हो गए बट यहाँ हर पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट्स नहीं है,
और जनरली बिगिनर स्टूडेंट या अच्छी खासी तैयारी करने वाला स्टूडेंट यह गलती कर जाता है स्टडी पॉइंट छाटने के लिए। हमने वहाँ क्या लिखा था, जो कीवर्ड गिरा था कि स्टेशनरी पॉइंट्स वो पॉइंट्स होगा ना जो एफ ऑफ एक्स भी जीरो कर दे और एफ ऑफ वाई भी जीरो कर दे। तो आपको मेरी एक सलाह है कि जो पॉइंट्स मिलेंगे ना, इस पॉइंट को एफ एक्स में लिखिए और एफ वाई में लिखिए, देखिए जीरो मिल रहा है कि नहीं। तो जो जीरो मिलेगा वही आपका स्टेशनरी पॉइंट होगा और जो जीरो नहीं मिलेगा वो स्टेशनरी पॉइंट नहीं होगा। ये दिस कंसेप्ट की बिना अगर ये आप सही से लिख लिए, सही से अपनी पारी यहाँ खेल ली स्टेशनरी पॉइंट्स में, तो ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अगला स्टेप कहीं गलती नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी वो सब निकाल ली, वहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जैसे देख लीजिए आप पहले जीरो जीरो लिखिए, यहाँ देखिए सेटिस्फाई हो रहा है नहीं, एक्स की जगह जीरो और वाई की जगह जीरो लिखेंगे तो यस जीरो मिलेगा, तो स्टेशनरी पॉइंट्स आपका पहला हो गया, ये हो गया जीरो जीरो हो गया। लेकिन यहाँ देखिए एक्स अगर जीरो लिखे वाई ये लिखे, अगर एक्स जीरो वाई ये लिखेंगे थ्री ए स्क्वायर और ए नॉट इज इक्वल टू जीरो, अगर ए इज इक्वल टू जीरो होता तो हो जाता, बट ऑलवेज कीप इन माइंड ए नॉट इज इक्वल टू जीरो। हालांकि बुक में ए नॉट इज इक्वल टू जीरो नहीं है, बट वहाँ ए जीरो नॉट इज इक्वल टू जीरो मेंशन होना चाहिए जब आप मैक्सिमम और मिनिमम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो बुक में भी ये मेंशन होना चाहिए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन सेट किया जा रहा है और वहाँ ऐसे कॉन्स्टेंट अवेलेबल है तो एग्जामिनर को भी ए नॉट इज इक्वल टू जीरो पहले मेंशन करना चाहिए या छोड़ना नहीं चाहिए, ये चीज को भी ध्यान में रखना। अगर नहीं मेंशन है कॉलेज की माइंड है ये जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है तो मतलब कि ये कैंसिल हो गया। सिमिलरली ये चेक कर लीजिए, अगर एक्स की जगह ये लिखते हैं वाई जीरो लिखते हैं, किसी एक में लिखे चाहे इसमें इसमें दोनों जीरो होना चाहिए, एक्स लिखेंगे थ्री ए स्क्वायर हो जाएगा, वाई जीरो लिखेंगे तो हो जाएगा थ्री ए स्क्वायर आएगा, एफ एक्स थ्री ए स्क्वायर मिल रहा है इस पॉइंट पे, ये तो जीरो है नहीं राइट, ये जीरो नहीं है मतलब ये भी नहीं है। अच्छा ए लिख दें तो ठीक है दोनों जीरो मिल जाएगा, तो ए हो गया, ये स्टेशनरी पॉइंट्स हो गए। अगर यहाँ तक आपने अच्छे ढंग से अपनी पारी खेली, बड़ी अच्छी से बैटिंग कर ली और जो मैंने ट्रिक आपको समझाया है आप समझ के कर गए हैं, तो पक्का ये बात दावे के साथ हम कह सकते हैं आप गलती नहीं करेंगे। अब क्या करना, अब तो रस्म अदायगी रह गई है, अब रस्म अदायगी का क्या मतलब रह गया, अब आर टी माइनस एस स्क्वायर निकाल लीजिए बस, और आर आर ऑलरेडी निकला है, आर की वैल्यू आपकी सिक्स एक्स है, अब ये पॉइंट मेरे मिले हुए हैं तो था जी देखिए क्या आता है आर टी माइनस एस स्क्वायर, आर क्या है भाई सिक्स एक्स है और टी क्या है सिक्स वाई है माइनस एस स्क्वायर मतलब माइनस थ्री ए का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा नाइन ए स्क्वायर, ये हो गया छत्तीस एक्स वाई माइनस व्हाट नाइन ए स्क्वायर। अच्छा किस पॉइंट पे निकालते हैं जो स्टेशनरी पॉइंट्स है, तो पहला अगर जीरो जीरो लिखेंगे ये तो फिर जीरो आ जाएगा, फिर डॉट प्रूफ केस वो फिनिश हो जाएगा, वो नहीं लिखेंगे। अच्छा ए ए लिख रहे हैं एक्स की जगह ए और वाई की जगह ए, तो आर टी माइनस एस स्क्वायर इस पॉइंट पे निकालने जा रहे हैं जो स्टेशनरी जो पॉइंट है मेरा, ये थर्टी सिक्स ए स्क्वायर माइनस नाइन ए स्क्वायर, ये तो पॉजिटिव आ गया, कितना आ जाएगा भाई ये ट्वेंटी सेवन ए स्क्वायर, दिस इज द ग्रेटर देन जीरो। तो अब आर पे डिपेंड करेगा, आर मेरा क्या है, आर हमारा जो है सिक्स एक्स है, तो आर इज इक्वल टू पॉइंट ए ए पर, तो ऐसे लिख दिया जाए आर पॉइंट ए ए कितना आ जाएगा सिक्स। अब क्या है कि अगर कंडीशन ये थी कि अगर आर ग्रेटर देन जीरो होता था तो मिनिमम होगा, अगर आर लेस देन जीरो है तो मैक्सिमम है, तो अब ए पे डिपेंड करेगा, अगर ए ग्रेटर देन जीरो हुआ तो आर ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, तो मीनिंग क्या होगी ए जब ग्रेटर देन जीरो होगा तो ये जो फंक्शन गिवन है वो मेरा मिनिमम हो जाएगा, अगर ए लेस देन जीरो हुआ तो आर लेस देन जीरो हो जाएगा, और हमने कंडीशन अभी बताई ये तो पॉजिटिव हो गया। अब मैक्सिमा मिनिमा आर पे डिपेंड करेगा, आर अगर ग्रेटर देन जीरो है तो मिनिमम मिलेगा और आर अगर लेस देन जीरो है तो मैक्सिमम मिलेगा, तो यहाँ अगर ए मैं लेस देन जीरो लिखता हूँ तो मैक्सिमम मिलेगा और ए ग्रेटर देन जीरो यहाँ लिखेंगे क्योंकि आर इज इक्वल टू मेरा सिक्स आया है और आर की साइन पे ही मैक्सिमम मिनिमम डिपेंड करता है, तो आर की साइन किस पे डिपेंड करेगी, सिक्स तो ऑलवेज पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो अगर ए पॉजिटिव हुआ ए ग्रेटर देन जीरो हुआ तो आर ग्रेटर देन जीरो होगा, तो फंक्शन ए ए पर मिनिमम होगा, अगर ए लेस देन जीरो है मतलब कोई निगेटिव नंबर है तो ए जो पॉइंट होगा वो मैक्सिमम। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो वीडियो लेक्चर ध्यान से देख रहा था उसको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हम मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालेंगे, वरना हम कुछ और क्वेश्चन अभी पिकअप करेंगे जो और बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने हैं। अच्छा अगर कहीं समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ताकि हम जब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स बनाएं तो कमेंट का भी हम जवाब देंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।